नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिका, जिसमें हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इसे स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार और उनका राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक का जो कालखंड है, कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहता है और इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जो उत्तर भारत के इतिहास के प्रत्येक पहलू में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन ला देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उनका जो आर्थिक और सामाजिक ढांचा है उसमें परिवर्तन आता है और उसके साथ साथ राजनीतिक ढांचे का भी आविर्भाव हो उठता है। और उसमें हम देखेंगे कुछ विशेषताएं हैं उसकी, इस जो नव उदित इनका ढांचा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में हम देखेंगे, विशेषताओं में होता क्या है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान हो जाती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाती है, और जिससे कबीलाई समाज में दरार पड़ने लगती है, कबीलाई समाज में दरार आने लगती है और क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय होता है, साम्राज्य का उदय होता है। और जो इसकी अगली विशेषता है वो है वर्ण व्यवस्था में जटिलता आनी शुरू हो जाती है, वर्ण व्यवस्था में जटिलता आनी शुरू हो जाती है, जो क्या था ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित होती है, उत्तर वैदिक काल में होता क्या है वो जन्म पर आधारित हो जाती है। और यह वही कालखंड था जिसमें तकनीकी रूप से लोहे का प्रयोग होता है, जो उत्तर भारत का जो इतिहास है उसमें काफ़ी चेंजेस खड़े कर देता है। और लोहे को उत्तर वैदिक काल में श्याम अयश शब्द प्रयोग किया गया है, लोहे के लिए श्याम अयश शब्द प्रयोग किया गया है। इससे इस धातु से ज़्यादातर जो अधिकतर मात्रा में युद्ध संबंधित अस्त्र बने, युद्धास्त्रों का ज़्यादा होना पाया गया है, जिससे क्या होता है एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होता है। और जो कृषि से संबंधित औजार हैं वो कम मात्रा में बने हैं, जिससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र से ज़्यादा जो अधिक औजार बने हैं वो युद्ध से संबंधित बने हैं, और जिससे राजनीतिक में एक बड़ा परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है यह सभ्यता नगरों के रूप में उतना नहीं आगे बढ़ पाती जितना कि युद्ध के क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आगे चली जाती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन इसमें भी कुछ नगरों का विकास हुआ है लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो अधिशेष अर्थव्यवस्था है वो उतनी नहीं हो पाई जितनी सिंधु सभ्यता में थी, क्योंकि यहाँ पर कृषि से संबंधित जो हथियार औजार हैं वो कम हमें मिलते हैं और युद्ध से संबंधित ज़्यादा। और वहीं हम सिंधु सभ्यता में देखेंगे वहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे और युद्ध से संबंधित वहाँ हमें हथियार नहीं मिलते उतने और कृषि से संबंधित वहाँ मिलते हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि नगरीय सभ्यता का उत्थान वहाँ जल्दी होता है। तो फिर से हम देख लें इस कालखंड में होता क्या है, उत्तर भारत के इतिहास में काफ़ी परिवर्तन आता है और इसकी कुछ विशेषताएं रहती हैं। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान बन जाती है वैदिक सभ्यता के बाद, उत्तर वैदिक सभ्यता में, और कबीलाई समाज में दरार पड़ने लगती है, क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय होते हैं, वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। अब हम देखेंगे आर्यों का
भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार कैसे रहता है, इस प्रकार से हम देखते हैं। ये वैदिककालीन भारत है, अफगानिस्तान से लेकर के गंगा नदी के तट तक ऋग वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे अपना विस्तार कर चुके थे, और उनका जो ऋग वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ऋग वैदिक संस्कृति का जो केंद्र था वो पंजाब का क्षेत्र रहता है, पंजाब का क्षेत्र रहता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आर्य निवासी थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आर्यों ने अनार्यों से युद्ध किए और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया, और पंजाब से वो बढ़कर आगे आते हैं कुरुक्षेत्र में। इस क्षेत्र में ये कौन सा है, कुरुक्षेत्र रहता है। कुरुक्षेत्र सरस्वती और द्वस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र है, इस प्रकार से हम देखेंगे सरस्वती और द्वस्वती नदियों का क्षेत्र रहता है, कुरुक्षेत्र में बस जाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, इससे भी आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं, अपने क्षेत्र विस्तार को जारी रखते हैं। वो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, और इससे आगे यमुना व गंगा के दोआब में आ जाते हैं, गंगा और यमुना के दोआब में आ जाते हैं, और यह जो क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अगला जो इनका क्षेत्र रहता है गंगा और यमुना का दोआब। इसके बाद उत्तर में हम देखेंगे हिमालय रहता है, और दक्षिण में हम देखेंगे विंध्या का क्षेत्र रहता है, विंध्याचल पर्वत रहेगा, और यहाँ पर सरस्वती नदी का क्षेत्र है, कुरु के पास सरस्वती नदी का क्षेत्र रहता है। अब इनका विस्तार है जो सरस्वती नदी से लेकर के गंडक नदी तक पहुँच जाता है, किस नदी तक, गंडक नदी तक पहुँच जाता है इनका जो साम्राज्य विस्तार रहता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल, और पश्चिम जो क्षेत्र है इसमें सरस्वती, और पूर्व में कौन सा क्षेत्र रहता है, गंडक नदी यानी उस समय की सदानीरा। इस प्रकार से आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे हम, यह मध्य देश कहलाता है, मध्य देश कहलाता है, जिसमें कुरु और पंचाल जैसे शक्तिशाली जनपद उभर कर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अंग का क्षेत्र रहता है, अंग का क्षेत्र रहता है, और यहाँ रहता है मगध का क्षेत्र, और इनका जो हमें वर्णन है वो मिलता है अथर्ववेद में। पहली बार मगध क्षेत्र का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है, यानी न तो ये देवताओं को मानते थे वैदिककालीन, और न ही ये यज्ञ परंपरा का अनुसरण करते थे, और इनके लिए मगध के निवासियों के लिए कहा भी गया है कि सारी बीमारी या रोग मगध को जाए। अर्थ वेद में इनका वर्णन इस प्रकार से मिलता है। और जो उत्तर भारत का ये पूरे का पूरा क्षेत्र रहता है, इसे उस समय कटदेवीन और विंध्याचल क्षेत्र की तरफ इनका विस्तार, दक्षिण के राज्यों का विस्तार हमें नहीं मिलता है। लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के ऋषि थे उन लोगों ने कुछ साहस दिखाया और विंध्याचल क्षेत्र के दुर्गमों को पार कर वो
दक्षिण की तरफ आए। उन्होंने दक्षिण की संस्कृति को तो जीत लिया, दक्षिण की संस्कृति को तो जीत लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उसे नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे, एक हमें कथा मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे हमें कथा मिलती है विदेह माधव की, जिसमें विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण करते हैं। जैसे ही गृत का नाम लेते हैं, अग्नि पृथ्वी पर, अग्नि का गोला वो पृथ्वी पर आ जाता है और पूरी पृथ्वी के जंगलों को और नदियों को जलाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वह सदा नीरा के तट पर जाता है और अपने निवास स्थान के बारे में पूछता है, तो उसे उसका निवास स्थान सदा नीरा नदी, ये जो गंडक नदी है, सदा नीरा नदी है, इसकी इसी दिशा में बताया जाता है, जिससे कि उत्तर वैदिक काल आर्यों का विस्तार है वो इससे आगे नहीं होता। फिर से हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो विस्तार है वो सरस्वती नदी से लेकर गंडक नदी तक है। यहाँ तक सरस्वती नदी है, यहाँ से विदेह माधव की कथा का जब हमने अनुसरण किया उसमें हम देखेंगे विदेह माधव यहाँ से चलते हैं उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से चलते हैं और पूर्व दिशा की तरफ अपनी जो विस्तार की नीति है उसको प्रसारित करते हैं। ऋग वैदिक कालन में होता क्या है, पंजाब का जो क्षेत्र है इनकी संस्कृति का मुख्य केंद्र रहता है, लेकिन उसके बाद कुरुक्षेत्र में ये आगे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र से भी आगे बढ़कर ये पूर्वी राजस्थान और गंगा यमुना का जो दुआब है उस क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाते हैं, जिसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया। इसके बाद इनका जो अगला क्षेत्र रहता है वो रहता है मध्य देश, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल क्षेत्र, पूर्व में, पश्चिम में सरस्वती और पूर्व में गंडक नदी, इनका ये क्षेत्र रहता है। और इस क्षेत्र के मुख्य जनपद हैं जो उभर कर सामने आते हैं महाशक्ति के रूप में, वो रहते हैं कुरु और पंचाल। कुरुक्षेत्र में अथर्ववेद में एक पंक्तियाँ मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर न तो कभी ओले पड़ते थे और ना ही यहाँ पर कभी टिड्डियों का उपद्रव हुआ था और अकाल पड़ने की समस्या भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। उत्तर वैदिकालीन राजनीतिक जीवन, इसमें हम देखने जा रहे हैं जो पहले देखें ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल है जो, इसमें क्या होता है, राजा की जो स्थिति है वो कबीलाई मुखिया जैसी होती है, कबीलाई मुखिया जैसी होती है और यहाँ पर कोई स्थाई कर व्यवस्था नहीं होती और न ही यहाँ पर सभा व समिति और विद्वत जैसी तीन संस्थाओं का हमें वर्णन भी मिलता है, उल्लेख भी मिलता है और प्रशासन की भी यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था हमें नहीं मिलती। और उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, राजा का महत्व बढ़ता है और यहाँ पर जो कबीला था, जन था, उस जन की जगह कौन ले लेता है, जनपद ले लेता है, राजा का महत्व बढ़ जाता है और सभा और समिति यहाँ की जो प्रमुख संस्थाएं हैं यह निष्क्रिय होने लगती हैं, उतना प्रभाव नहीं रह जाता जितना कि वैदिक काल में रहता है और विद्वत का तो यहाँ पर उल्लेख ही हमें नहीं मिलता। इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक विस्तार है किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसमें देखेंगे हम सबसे पहले राजा। अब जो विजय करता है राजा, कबीलों को जीतता है, उन कबीलों की विजय का जो श्रेय है वो राजा को मिलता है। ऋग वैदिक काल में क्या होता था, इसका जो विजय का श्रेय है उनकी जनता को मिलता था, वहाँ के जो जन के लोग थे उनको श्रेय मिलता था, क्योंकि राजा का वो उसी समय निर्वाचन करते थे जब कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर राजा का जो निर्वाचन था किया तो जन के लोगों द्वारा जाता था, राजा का निर्वाचन जन के लोगों द्वारा होता था, लेकिन अब राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो गया था। उसी तरह सभा व समिति है जो इस राजा का निर्वाचन करती थी, लेकिन उसी राज परिवार से
राज परिवार से नया राजा चुना जाता था, इसलिए यहाँ पर जो राजा का निर्वाचन है वो एक अनुवंशिकता की ओर चला जाता। और यहाँ पर जनपदों का विस्तार होता है, इस प्रकार से हम देखेंगे पहले छोटे छोटे जन होते हैं, मान लो ये जन है, कोई शक्तिशाली जन है, इन पर आक्रमण कर लेता है और इनको अपने में समाहित कर लेता है। और दूसरा क्या होता है, लौह तकनीकी की जो खोज होती है, लोहा की खोज होती है, कुल्हाड़ी से या आग से जलाकर जंगलों को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे मान लो ये छोटा सा कोई जनपद है और कुल्हाड़ी के आविष्कार से या खोज से आग से जलाकर इन जंगलों को साफ कर लिया जाता है, तो इसका क्षेत्र इतना और बढ़ जाता है। इस प्रकार जो जनपदों का विस्तार होता है वह दो प्रकार से होता है, एक तो युद्ध में विजय कर और दूसरा कुल्हाड़ी से या आग से जलाकर इन पर अपना अधिकार कर लेना। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर राजा का महत्व बढ़ जाता है। जो ऋग्वैदिक कालीन में राजा होता था वो केवल पशुओं का संरक्षक होता था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय हो जाता है और कबीलाई समाज है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। और राजा यहाँ पर भूपति जैसी उपाधियाँ धारण करता नजर आता है, भूपति जैसी उपाधियाँ धारण करता हुआ भी यहाँ पर नजर आता है। और कई उल्लेख मिलते हैं जिसमें राजा भूमि दान भी करता है, जिससे पता चलता है कि राजा भूमि का स्वामी है। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता, केवल वह युद्ध का नेता होता है। लेकिन राजा स्वेच्छाचारी में निरंकुश नहीं होता। कई जगहों पर हमें उल्लेख मिलता है कि राजा के गलत होने पर उसे निर्वासित कर दिया जाता था, राज्य से बाहर कर दिया जाता था, जिससे पता चलता है कि राजा स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं होता था। और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजतव के सिद्धांत मिलते हैं, जिसे राजा दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करता है, जिससे क्या होता है, ब्राह्मण का वर्चस्व भी यहाँ पर बढ़ता है, क्षत्रिय का वर्चस्व और ब्राह्मण का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे दक्षिण में भोज, उत्तर में विराट और पश्चिम में सम्राट और पूरब में सम्राट जैसे शासकों की जानकारी मिलती है। और यहाँ पर बीचों बीच राजा शासन करता है और यह अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ में स्तंभों से बांधकर 20 या 25 पुरुषों की बलि दी जाती थी। और जो पूरे क्षेत्र का सम्राट होता था, राजा होता था, उसे एक राट की उपाधि दी जाती थी, एक राट उपाधि से सम्मानित होता था। अब हम देखेंगे राजा के सहयोगी। ऋग्वेद काल में क्या होता था, राजा के 4 या 5 सहयोगी थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन में बड़ा होने के कारण इसके 12 सहयोगी होते हैं, 12 सहयोगी रहते हैं और इन्हें रत्निन या रत्निन कहकर पुकारा जाता था। इनमें हम देखेंगे सबसे पहले
सेनानी रहता है। ऋग्वैदिक काल में जो प्रथम स्थान रहता है, जिसका प्रथम महत्व रहता है, वो होता है पुरोहित। लेकिन यहाँ पर सेनानी है, जो सेना नायक है, उसका स्थान प्रमुख हो जाता है। इसके बाद पुरोहित, फिर महेशी प्रथम रानी, फिर युवराज, दूत, ग्रामणी, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर संग्रहिता। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष रहता है, कोषाध्यक्ष। भागदुख, भागदुद यह है कर वसूल करने वाला, कर वसूलने वाला या अर्थमंत्री कहलाता है। इसके बाद अक्षवाप, राजा के साथ झूठ में शामिल होने वाला या आय व्यय की गणना करने वाला, आय व्यय की गणना करने वाला। और इसके बाद पालागल, यह विदूषक या इसका मित्र रहता है। प्रमुख प्रमुख जो रत्नी है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इनके प्रशासन में सभा और समिति, सभा और समिति का यहाँ पर महत्व कम हो जाता है और विद्युत का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता। सभा में अभिजात कुल के लोग, अभिजात कुल के लोग भाग लेते हैं और अथर्ववेद में इसे निरिष्ठा भी कहा गया है, अथर्ववेद में इसे निरिष्ठा भी कहा गया है। और दूसरी जो रहती है संस्था समिति, समिति का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ईशान कहलाता है। यहाँ पर आम लोग भाग लेते हैं, जन के जो आम लोग भाग लेते हैं। राजा का महत्व बढ़ने के साथ इन संस्थाओं का निष्क्रिय होना, लेकिन सभा का यहाँ पर कुछ महत्व रहता है और समिति का महत्व है बिल्कुल वो कम हो जाता है, क्योंकि राजा की जो नज़दीकी लोग होते हैं, अभिजात लोग होते हैं, वो इस सभा में भाग लेते हैं। उन सदस्यों को सभ्य कहा जाता है, सभ्य कहा जाता है। और समिति में आम जन के लोग भाग लेते हैं, क्योंकि राजा का महत्व बढ़ने से जन के आम लोगों का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए समिति का महत्व यहाँ पर कम रहता है। विद्युत का उल्लेख है, जो विद्युत संस्था थी उसका बिल्कुल भी यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है। हम देखेंगे भागदूत जो अधिकारी है, कर वसूलने वाला है। यहाँ पर पता चलता है कि टैक्स व्यवस्था का निर्माण हो चुका था, स्थायी शुल्क यहाँ से वसूला जाने लगा था, क्योंकि ऋग्वेद काल में किसी भी राजस्व अधिकारी का हमें उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर भागदूत अधिकारी है, जो अर्थमंत्री है, कर वसूलने वाला है, उसका हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर जो कर व्यवस्था थी, 1/6 भाग या 16वां भाग वसूला जाता था। और अक्षवाप जो है वो आय व्यय की गणना करता था और राजा के साथ जुए में इसका सहयोग भी करता था। फिर से हम देखेंगे राजा के सहयोग के लिए 12 रत्नी होते थे, इनमें सेनानी, पुरोहित, महिला, महिषा जो राजा की प्रथम रानी होती थी, महिषी प्रथम रानी होती थी, और युवराज, उसके बाद दूत, उसके बाद ग्रामणी जो ग्राम का मुखिया होता था, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर वसूलने वाला, अक्षवाप, दूत व आय व्यय की गणना करने वाला, पालागल उसका विदूषक या मित्र होता था। यहाँ पर सभा व समिति का महत्व कम हो जाता है और जो सभा के सदस्य हैं वो सभ्य कहलाते हैं और अथर्ववेद में इनको निष्ठा के रूप में इसे जाना गया है। समिति का अध्यक्ष है वो ईशान कहलाता है। विद्युत का यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता। अब हम देखेंगे वैदिककालीन, उत्तर वैदिककालीन सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था जटिलता पकड़ने लगती है।
और यहाँ पर ब्राह्मण का वर्चस्व, ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ने लगता है, क्योंकि राजा अपनी दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए यज्ञों वगैरह का ज़्यादा अनुष्ठान करने लग जाता है, जिसमें ब्राह्मण का बोलबाल रहता है। और शूद्र की उत्पत्ति भी होती है। शूद्र की उत्पत्ति का कारण रहता है अर्थव्यवस्था में समृद्धि आना, अर्थव्यवस्था में समृद्धि के कारण कुछ जो विद्वान है शूद्र की उत्पत्ति का उसे कारण मानते हैं। यहाँ पर जो उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है वह द्विज का ही होता है, द्विज का ही होता है। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन लोग आते हैं। और यह उपनयन संस्कार ही इन तीनों में और शूद्र में विभाजक रेखा का कार्य करता है, विभाजक रेखा का कार्य करता है। उपनयन संस्कार में भी हम देखेंगे ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की एज में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में होता है। ब्राह्मण के लिए जो जनेऊ पहना जाता है वो सूत का, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए ऊन के जनेऊ को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से इनके लिए जो संबोधन है वो संबोधन भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ब्राह्मण को आइए और क्षत्रिय को बुलाया जाएगा तो आओ, और वैश्य को बुलाएंगे तो जल्दी आओ, और शूद्र के लिए दौड़ कर आने का संकेत मिलता है। यहाँ पर जब इनकी अंत्येष्टि क्रिया होती है, अंत्येष्टि क्रिया होती है, इसमें भी अलग अलग हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं। अंत्येष्टि क्रिया पर जो टीले बनते हैं उनकी आकृति में भी हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे ब्राह्मण का अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का, शूद्र का अलग अलग होगा। और स्त्रियों की स्थिति में भी यहाँ पर काफ़ी गिरावट आती है। स्त्रियों की स्थिति में हम देखेंगे गिरावट तो ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियाँ थी उन्होंने मंत्रों की भी रचना की है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है थोड़ा फर्क हमें नजर आता है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री को दुखों का कारण बताया गया है, स्त्री को दुखों का कारण बताया गया है। और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुए और शराब के समान बताया गया। जैसे ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां क्या करती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, यज्ञ में भी भाग लेती थी और सभा और समिति में भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो ना तो सभा और समिति में भाग लेती थी, सभा और समिति में भाग नहीं लेती, युद्ध में भी भाग नहीं लेती थी और यज्ञ में भी भाग नहीं लेती थी। उनसे यह अधिकार छीन लिया गया था। उन्हें कुछ अधिकार तो प्राप्त थे लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं थी। जैसे हम देखेंगे वृद्धायणक में एक उपनिषद है वृद्धो प्रणायक, जिसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद हमें देखने को मिलता है। जनक के दरबार में इन दोनों के मध्य क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है। और इस शास्त्रार्थ में जब गार्गी का कपलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है तो याज्ञवल्क्य उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा अगर तुम चुप नहीं हुए तो। इससे पता चलता है कि उन्हें बोलने का अवसर तो था लेकिन उनके जो अधिकार थे वो सीमित थे। स्त्रियों को यहाँ पर बाल विवाह होना शुरू हो गया था, विधवा विवाह होता था। एक जगह पर 10 विवाह तक की हमें जानकारी मिलती है और कठोपनिषद में
कठोपनिषद में जो यम नचिकेता का संवाद मिलता है उसमें 3 बार वर प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। 3 बार वर प्राप्त करने की हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पर क्या था, स्त्रियाँ अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती थी, इच्छा से विवाह नहीं कर सकती थी। और कुछ विदुषी स्त्रियाँ भी होती हैं, जैसे कुछ के नाम मिलते हैं, सुलभा, वेदमती, गार्गी, मैत्रायणी। और यहाँ पर बहुपत्नीत्व विवाह भी हमें मिलते हैं, बहुपत्नी विवाह भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे हरीश्चंद्र के 100 रानियाँ होती हैं, और याज्ञवल्क्य की मैत्रायणी और कात्यायनी 2 रानियों का उल्लेख मिलता है। फिर से हम इनका रिवीजन कर लेंगे। जैसे देखेंगे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है, जटिलता तो आ जाती है लेकिन यहाँ पर भेदभाव या अस्पृश्यता का अभाव रहता है, और ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ जाता है क्योंकि यज्ञों का अनुष्ठान यहाँ पर ज़्यादा होता है। और शूद्र की उत्पत्ति जो मानी गई है वो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक आने के कारण मानी गई है। और उपनयन संस्कार द्विज लोगों का ही होता है, सिर्फ जिनमें 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, और इसमें उपनयन संस्कार के कारण विभाजक रेखा बनती है शूद्र। ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में। और इनके लिए जो जनेऊ धारण किया जाता है वह सूत का, और क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए ऊन का। और स्त्रियों की स्थिति देखें तो यहाँ पर स्त्री को ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में दुखों का कारण माना गया है, और मैत्रायणी संहिता में उसे जुए और शराब के समान माना गया। सभा समिति युद्ध और यज्ञ में स्त्री भाग नहीं ले सकती थी। और वरद्रायक उपनिषद में गार्गी व यज्ञवल्का का जो संवाद मिलता है जिससे पता चलता है इन्हें अधिकार तो थे, अवसर तो मिलते थे लेकिन ये सीमित होते थे। बाल विवाह यहाँ पर प्रचलित हो गया था, विधवा विवाह यहाँ पर होता था। एक जगह पर 10 बार स्त्री द्वारा विवाह किए जाने का उल्लेख मिलता है। कठोर उपनिषद में यम नचिकेता का जो संवाद मिलता है उसमें 3 वर प्राप्त करने की इच्छा है वो व्यक्त की हुई है, इससे पता चलता है। और यज्ञवल्क्य के मैत्रायणी व कात्यायनी, इसकी 2 पत्नियां होती हैं, तथा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि बहुपत्नीत्व विवाह यहाँ पर प्रचलित होता है। और वर्ण व्यवस्था में हम यहाँ पर देखेंगे जैसे जटिलता आती है तो उनके लिए आह्वान भी अलग अलग से होता है, और उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया होती है वहाँ पर उनके लिए जो टीले होते हैं उनके वो भी अलग अलग यहाँ पर पाए गए। तो अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद।